देखो एबी लिमिटेड वाला था, वर्किंग नोट अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे मेरे, है ना, फिर से देखते हैं एक बार। देखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, ₹10 वाले थे, ठीक। एप्लीकेशन पे कितना देना था? 2। अलॉटमेंट पे 3। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना था? 5। तो ये हो गया पूरा ₹10। एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रहा था इसको? 1,50,000 शेयर्स के लिए। ये देखो 80,000 वालों को कितना दे रहा था? 60,000। ₹80,000 वालों को 60,000, 70,000 वालों को 40,000। तो पूरा 1.5 लाख में से कितना दिया था? 1,06,000 शेयर सुधा के थे, ये आशा के थे। सुधा को कितने अलॉट हुए थे? 600 शेयर अलॉट हुए थे, है ना। और उसका शेयर फोरफिट कब हुआ था? जस्ट अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। फिर आशा ने 14 के लिए अप्लाई किया था, बट उसको मिले कितने थे? 800 शेयर्स। ये वर्किंग नोट थी, ठीक है। चलो एंट्री बनाओ। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, टू, अच्छा ये वाली एंड वर्किंग नोट बनाओ, इसके बाद वाली। एप्लीकेशन रिसीव्ड अपॉन एप्लीकेशन अलॉटेड, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था क्या? फिर देखो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर देखो टोटल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, देखो फिर एप्लीकेशन मनी कितने के लिए रिसीव्ड हो रहा है? 1,50,000। ये इसको 80 और 70 में करना है ना। 80,000 मिला शेयर और एक 70,000 मिला। 80,000 वालों को दिया 60,000 और 70 वालों को दिया 40,000। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड होगा? देखो एप्लीकेशन का है ₹2, तो 80 × 2 करो। मेरे को जल्दी जल्दी ना, देखो कैलकुलेशन आप लोग साथ में बताते जाओगे, क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं बोलते जा रही हूँ। कैलकुलेटर उठाओ अपना फोन का या अपने साथ रखो और मेरे को कैलकुलेशंस बताया करो। इंटरेक्टिव रहेगा सेशन तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं करवाने वाली ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। 70 × 2 करो। 1,40,000। फिर देखो एप्लीकेशन कितने का दे रहा है? 60,000 का। तो एप्लीकेशन मैंने कितना अलॉट हुआ इसको? 1,20,000, क्योंकि इसको कितने शेयर्स दे रहे हैं? 60,000। और ये है 40,000, तो 40 × 2 ये हो गया 80,000। तो एडजस्टमेंट कितना हो रहा है? देखो ये 80 और 70 हुआ 1,50,000, और ये 60 और 40 1,00,000 हुआ। अब देखो एडजस्टमेंट कितना होगा? यहाँ से 30,000 का होगा और यहाँ से कितने का हो रहा है बताओ? नीचे कितने का एडजस्टमेंट हो रहा है? अच्छा ये 20 में से 1,60 गया तो ये हो गया 40। और यहाँ पे 1,40 में से 80 गया तो 60,000। ये एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से हो रहा है? देखो ₹2 से। शेयर्स कितने मिल रहे हैं हमको? 1,50,000। तो 1,50,000 का 2 के हिसाब से देखो,
ये हो गया 3 लाख। फिर सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2 लाख। देखो शेयर कैपिटल में आएगा 2 लाख, ये वाला अमाउंट हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये वाला देखो। ये देखो ये देखा 1,60,000 और ये 1,40,000, तो ये हो गया 2 लाख। फिर अलॉटमेंट में कितना देंगे अपन? ये वाला 1 लाख, ये देखो ये 40,000 और ये 60,000, ये जाएगा अलॉटमेंट में। तो शेयर अलॉटमेंट में आएगा 1 लाख और शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा सॉरी एप्लीकेशन से 3 लाख। इस एंट्री में किसी को डाउट है सेकेंड एंट्री में? No, ma'am. अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट कितने का है? 3 रुपए का। शेयर्स कितने हैं अपने पास? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3 ये हो जाएगा 3 लाख। फिर फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ये सुधा जिसके पास 600 शेयर्स थे, क्वेश्चन ध्यान से देखो सब। अलॉटेड टू द ग्रुप अप्लाइंग 80,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, हिज शेयर्स वेर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। सुधा जैसे 600 अंश 80,000 वाले आवंटित किया था, ने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया, आवंटन के तुरंत बाद उनके अंशों को हरण कर लिया गया था। अब देखो शेयर्स जो इसके अंश हैं वो कब हरण हो रहे हैं, फोरफिट कब हो रहे हैं? आवंटन के तुरंत बाद, है ना। तो मैंने हमेशा बताया कि आपको ध्यान देना है कि शेयर कब फोरफिट हो रहा है। ये अलॉटमेंट का 3 और ये फर्स्ट कॉल का 5, तो ये पूरा बनता था 10 रुपए। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, इसको आवंटन के तुरंत बाद यानी एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 3, यानी कंपनी ने इसके टाइम तक शेयर कैपिटल कितनी मंगवाई थी? 5 रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंपनी ने इसके टाइम तक शेयर कैपिटल कितनी मंगवाई है? 5 रुपए मंगवाई है। तो एंट्री देखो ये कौन है? सुधा का। और आशा ने क्या नहीं दिया था? फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो सुधा का कैलकुलेशन करते हैं अपन, कितने शेयर्स थे इसके पास कंपनी के? 600 शेयर्स थे। अप्लाई कितने के लिए किया था इसने? 800 शेयर्स के लिए। तो इसने एप्लीकेशन मनी जो दी थी कितने के लिए दी थी? 800 के लिए। कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो ये हो गया 1,600 रुपये। इसको शेयर्स मिले 600 इंटू 2 करेंगे, ये हो गया 1,200। इसका जो बचा 400, ये हुआ था एडजस्ट कहाँ पे? अलॉटमेंट में। अब देखो तो इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो अलॉटमेंट मनी जो इसने पे नहीं की 600 शेयर्स पे कितना? 3 रुपए के हिसाब से 1,800, जिसमें से एडजस्टेड वाला कितना था इसका अमाउंट? ये 400। तो ये मैं 400 क्या कर दूंगी इसमें से? माइनस। तो अलॉटमेंट मनी इसने कितनी पे नहीं की?
1400। ठीक है, तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में देखो मिलना कितना था, टोटल 3 लाख। ठीक है, 3 लाख में से माइनस करोगे आप लोग ये जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था हमने, ये देखो 1 लाख, ब्लू पेन से देखो हाईलाइट कर रही हूँ, ये 1 लाख है ना। तो 3 लाख में से ये 1 लाख गया, प्लस इसने और क्या नहीं पे किया, ये सुधा ने कितना 1400 रुपये। तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें माइनस, तो बताओ अमाउंट कितना आएगा 3 लाख में से 1,98,600। ठीक है, कहीं पे डाउट है इस एंट्री तक? नो मैम। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि सुधा के शेयर फॉरफिट करे जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट है ना, तो आवंटन के तुरंत बाद, तो अब शेयर फॉरफिचर की एंट्री होगी उसके बाद ही फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। तो देखो शेयर फॉरफिचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो आवंटन के तुरंत बाद, यानी अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल नहीं किया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं आएगा, प्लस शेयर कैपिटल में एक शेयर कितने का है अपना 10 रुपए का। मैं हमेशा बोलती हूँ जितने का शेयर होता है उतने ही लिखते हैं शेयर कैपिटल में, लेकिन एक चीज और भी बोलती हूँ कि फॉरफीचर के टाइम पे आपको देखना है कि शेयर का कितना रुपए मंगवाया है। तो देखो अलॉटमेंट की जस्ट बात कर रहे हैं, यानी शेयर अभी कंपनी ने कितना रुपए मंगवाया है, सिर्फ 5 रुपए। कितने शेयर थे इसके, 600 शेयर है ना, तो 600 × 5 कितना हुआ, 3000। ठीक, और फोर फीचर में इसका कितना जाएगा पूरा का पूरा, ये 1600। ठीक, तो फोर फीचर कितना हुआ इसका 1600, और अलॉटमेंट में इसने कितना पे नहीं किया 1400। ये देखो ये 1400 है ना, ये तो ये हो गया ना फोर फीचर की एंट्री। चलो ये एंट्री करो, मैं पूरा फिर ये क्लियर कर दूंगी, बहुत अब हौच पौच हो गया है एंट्री। नोट की वर्किंग नोट, ये सुधा वाली वर्किंग नोट नोट करो जल्दी से। हो जाए तो बताना। हाँ बोलो। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अमाउंट अपॉन में नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू माइनस शेयर फॉरफीचर अमाउंट यूज्ड इन रीइश्यू। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, ये लिखवाया था ना, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू माइनस फॉरफीचर अमाउंट यूज्ड इन रीइश्यू। ये देखो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का किया था हमने, इसमें आशा का कितना था 800 शेयर्स के लिए, सॉरी 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था आशा ने, और उसको मिले कितने थे 800 शेयर्स है ना। तो ये उसकी एंट्री थी, फिर उसकी ये बैंक अकाउंट की एंट्री, फिर हमने उसकी ये फॉरफीचर की एंट्री की, फिर अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किया। अब देखो हम शेयर्स कितने रीइश्यू कर रहे हैं ये बताओ। 1000 शेयर। 1000 ठीक है, सुधा के कितने थे
600 सुधा का फोर फीचर अमाउंट कितना था? 1600 अब देखो, अब मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ ध्यान से। ये देखो, ये सुधा का फोर फीचर अमाउंट था 1600 और ये आशा का जो फोर फीचर अमाउंट था ये कितना था? एक सेकेंड, नहीं नहीं ये नहीं है बेटा, गलत हाईलाइट कर रही हूँ। ये तो रीइशू की एंट्री थी, 4000 है मैम, 4000 है ना ये वाला ऊपर वाला, ये देखो तो इधर पे ये 1600 था सुधा का, ठीक है, और इसका कितना था? 4000। ये हो गया सुधा का, ये हो गया आशा का। अब देखो साथ साथ लिखते चलना या पहले पूरा समझ लो एक बार में, तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब जब हम रीइशू किए तो हमने डिस्काउंट में रीइशू किया और डिस्काउंट का पैसा हमने कहाँ से लिया था? फोर फीचर से। कितना रुपये लिया था? एक शेयर पे 2 रुपए लिया हमने, बताओ एक शेयर पे कितना लिया हमने? 2 रुपए लिया था। इट मीन्स सुधा का जो शेयर्स था, ठीक, उसपे कितने उसके थे टोटल शेयर? सुधा के 800 शेयर्स थे। तो अगर हम 800 इंटू 2 करते तो, सॉरी, सुधा के शेयर्स कितने थे? 600 थे कि 800 थे बताओ? 600 थे। एक सेकेंड, तो 600 शेयर्स सुधा के थे जिसमें से हमने फोर फीचर में से 2 रुपए लिए, तो कितना बचा हुआ ये टोटल? 1200, ठीक। तो देखो ये फोर फीचर अकाउंट, उसके फोर फीचर अकाउंट में पैसे कितने थे? 1600, और हमने यूज कितने किए उसके में से? 1200, तो कितना बचा? 400 बचा, ठीक। यहां तक डाउट है किसी को? No, ma'am. अब आशा का देखो, देखो सुधा के हमने पूरे लिए थे इसलिए मैंने ओवरऑल में से किया। अब आशा का देखो, इसके पास शेयर्स कितने थे? देखो आशा के पास शेयर्स कितने थे? 800 और हमने यूज कितना किया इसका? 400, यानी 400 पे हमने 2 रुपए लिया इसका, कितना? 800 रुपए लिया हमने किसका? आशा का। तो देखो इसके टोटल फोरफिटेड शेयर्स थे 800, लेकिन हमने इसके रीइशू कितने करवाए थे? सिर्फ 400। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला लगाना, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिचर कितना था आशा का? ये लिख रही हूँ फॉर आशा, उसका क्रेडिट बैलेंस था कितना? 4000। उसके शेयर्स फोरफिट कितने थे? 800। हमने उसमें से रीइशू कितने किए थे? 400, ठीक। और उसका अमाउंट हमने यूज कितना किया है? ये देखो 800 रुपए, ये वाला, ये जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया ना आपको, 800। आया समझ में? तो कैलकुलेट करो, ये हो गया 2000 में से 800 गया, तो ये कितना हुआ? 1200। आया समझ में? ये ऊपर वाली कैलकुलेशन थी सुधा के लिए और ये किसके लिए है? आशा के लिए। तो इसमें कितना आया? 400 और इसमें कितना आया? 1200। याद रखना सुधा का हमने पूरा शेयर रीइशू किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया उसका जो बैलेंस बचा था फोर फीचर में, और आशा के टाइम पे मैंने पूरा रीइशू नहीं किया था उसका, मैंने 800 में से सिर्फ 400 ही रीइशू किया था,
तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन की आशा की, तो इधर आया 400, इधर आ रहा है 1200, तो टोटल कितना आया फोरफीचर में, 400 और 1200 सोलह 1600। सौ तो ये एंट्री करोगे आप लोग 10th वाली, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और उसमें डालेंगे 1600। समझ में आया, यस मैम। बनाओ 10th एंट्री। देखो ऊपर लिख रही हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1600। अच्छे से नोट करके रखो ना, ये पूरा वर्किंग नोट जो मैंने अभी करवाया है, हमेशा याद रखना। मैंने ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बस कैपिटल रिजर्व में दो टाइप की वैरायटी होती है, तीन टाइप की है ना, एक तो पूरा का पूरा रीइशू कर दिया तो उसका जैसे सुधा का किया वैसे करेंगे, और एक बार हम पूरा रीइश्यू नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने अभी करवाया। याद रखना एक चीज, और तीसरी चीज बता रही हूँ, अब सुनो ध्यान से। अगर बोलता कि 1000 शेयर तो रीइश्यू कर रहा है, ठीक है, मान लो 600 सुधा के नहीं करता, सुधा के कितने करता, 500, और आशा के भी 500 करता, तो दोनों का कितना हो जाता, 1000 होता। तो हम सुधा के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आशा के लिए भी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, यस मैम। है ना, अगर पूरा नहीं लेके दोनों का अलग अलग करता तो देखो जब हमने आशा का ये वाला कैलकुलेट किया तो ये जो 800 रुपए है इसमें, अब देखो उसमें कंफ्यूज मत होना ना, ध्यान से देखना, देखो हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से, ये जो 800 है, ये 800 कैसे आए थे, ये यहां से निकाली थी मैं आपका, ये फॉरफिचर अमाउंट यूज इन रीइश्यू, ये देखो ये लिखा है, दिख रहा है, दो हाईलाइट किया मैंने 800 वाला, तो इसका रीइश्यू में कितना यूज किए थे वो ध्यान देना हमेशा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता रही हूँ, ये 400 शेयर उसके रीइश्यू किए थे, डिस्काउंट के टाइम में हमने उसका कितना यूज किया था, 2 रुपए, ये देखो ये 2 रुपए, ये 9th एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर में 2 रुपए लिया था ना डिस्काउंट का, तो उसके वाले में से कितना लिया होगा, 800, तो ये वो 800 है। समझ में आया सबको, यस मैम। एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छा था ना क्वेश्चन, किसी ने बोला था ये करवाने के लिए, अच्छा चूज किया था जिसने भी। डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम, नहीं। ठीक है,